नमस्ते, मेरा नाम किया है और मैं अपनी दोस्त और को-फाउंडर निधि कामत के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हूँ। हमारी कंपनी का नाम है स्टोरी लूम फिल्म्स और हम 2013 से फिल्म्स बनाते आ रहे हैं। जिस तरीके से आप डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे जो फिल्म्स देखते हैं, बस उसी तरह की फिल्में बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इंडिया के हैंडीक्राफ्ट या भारतीय शिल्प पे काम बनाते हैं। एग्रीकल्चर के बाद यानी खेती के बाद हैंडीक्राफ्ट इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है, यानी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कारोबार, और इसीलिए हमने फिल्में बनानी चालू की। हम चाहते हैं कि आप ये फिल्म बनाने की कला सीखें ताकि जितनी हो सके दूर तक आप अपनी कहानियां सुनाएं और अपनी कला के बारे में बात करें। अब फिल्में बनाने से पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि हम फिल्में क्यों बनाते हैं या क्यों देखते हैं। एक कारण है मनोरंजन। हमें फिल्म देख के अच्छा लगता है, हल्का महसूस होता है, मजा आता है। उसके अलावा फिल्म के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो जैसे जो मनोरंजन वाला हो गया, उसे हम इंग्लिश में फिक्शनल फिल्म कहते हैं। फिक्शनल यानी जहां पर कहानी बनाई जाती है, जहां पे आप हीरो हीरोइन देखते हैं, जहां पे आप डांस देखते हैं वगैरह। दूसरी टाइप की जो फिल्में होती हैं, जो कि मैं और निधि बनाते हैं, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाना। आप मान लीजिए कि जैसे आपकी जो कला का काम है, अगर हम उसे शूट करते हैं तो आप जैसे काम करते हैं, आप जैसे बात करते हैं, हम उसे वैसे ही दिखाएंगे। यहाँ पे हीरोइन नाच गाना या कुछ भी अलग से ऊपर से नहीं जोड़ा जाएगा। इसे हम डॉक्यूमेंट्रीज कहते हैं या नॉन फिक्शनल। अब हम कोशिश करते हैं एक फिल्म को समझने की। हमने जैसे जो फिल्म बनाई है सुल्ताना, जो कि आपने अभी देखी, अगर उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो उसमें जो क्राफ्ट्समैन है, जो शिल्पकार है तौफीक जी, वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने कहानी की जो शुरुआत की थी, हमने पहले कहानी में गांव दिखाए, खेत दिखाए, फिर उसके बाद थोड़ा तौफीक जी के बारे में बताया और फिर कला के बारे में बात की हमने। तो हमारा ये समझना जरूरी है कि जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं, अगर हम सामने वाले या अपने दर्शकों को ये बता पाए कि वो जो कला है वो कहाँ का काम है, उससे क्या होता है कि एक, दर्शकों को देखने में और मजा आता है, दूसरा उनको ये पता चलता है कि वो जो शिल्प है, जो क्राफ्ट है, वो कहाँ का है, और तीसरा कहानी और अच्छी बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जो कहानी बना रहे हैं, हम जो फिल्म बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं? दूसरों को समझाने के लिए अपना काम, ताकि दर्शकों को समझ में आए। तो हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम अपनी कला के बारे में, अपने क्राफ्ट के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में बात करेंगे या उसके महत्व के बारे में बात करेंगे, तो दर्शकों को ज्यादा मजा आएगा, दूसरा उनको समझ में आएगा कि आपकी कला किस तरीके से होती है, और तीसरा आपकी कहानी और स्ट्रॉन्ग बन जाती है, यानी अच्छी बन जाती है। जैसे इस फिल्म में सुल्ताना में आपने ये भी देखा होगा कि तौफीक जी जो अपने कला के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक बहुत आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, एज इफ कि जैसे उनको बहुत गर्व है अपनी कला पे। बस ठीक उसी तरह आपको अपनी कला के बारे में बताना है, क्योंकि जब तक दर्शक ये नहीं देखेगा कि आप जो कर रहे हैं कला, वो आपके लिए क्या महत्व रखती है, तब तक कहानी में या क्राफ्ट में इतना मजा नहीं आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अपनी कहानी बताते वक्त पूरे आत्मविश्वास के साथ कहानी बताएं। अच्छा, हम सब ये तो मानते ही हैं कि हम सबको कहानियां सुनना बहुत पसंद है। हमारे घर में अगर कोई ऐसी चीज है जिससे हमें जुड़ाव है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं या तो कोई यादें होती है या तो कोई कहानी होती है। जैसे मैंने एक साड़ी खरीदी थी, मान लीजिए आप साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से, वो मुझे मिलने में बहुत मुश्किल हुआ था। साड़ी दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर जिस तरीके से मैंने उसको ढूंढा, मैंने पता किया, वो कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और जब मैं लोगों को ये कहानी सुनाती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ये साड़ी दिखाऊँ, मैं साड़ी देखनी है। तो बस उसी तरीके से आपको अपनी कला के बारे में, आपकी कला से जुड़े जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, अगर आप वो सुना सकें तो लोगों को और मजा आएगा आपकी कला के बारे में सुनने में,
और शायद उनको खरीदने का और मन करेगा। जैसे गुंदियाली के बारे में मैंने सुना है कि आप लोग दिवाली में खिलौने बनाते हैं, एंड आई एम श्योर उन खिलौनों के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होगी। तो जब भी आप ये फिल्म बनाएंगे, याद रखें कि आप ऐसे किस्से कहानियां जरूर सुनाएं लोगों को। नमस्ते, मेरा नाम निधि है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम फिल्में क्या होती हैं, हम फिल्म्स क्यों बनाते हैं, और थोड़ा उसमें आपको सुल्ताना फिल्म के बारे में भी बताया था। अब हम ये सीखेंगे कि फिल्म हम कैसे बनाते हैं, कैसी प्लानिंग होती है फिल्म बनाने के लिए। तो जैसे जब आपका जो कुल्हड़ है या मटका है, ये सब जब बनाते हैं, तो उससे पहले आप पहले मिट्टी बनाते हैं, है ना? फिर उसके बाद एक बार मिट्टी तैयार होने के बाद पॉटर्स व्हील पे आप लगाते हैं, फिर उसको भट्टी में लगाते हैं, और अंत में डेकोरेशन होता है। तो इसी तरह फिल्म मेकिंग में भी ऐसे कुछ हिस्से हैं जो हम फॉलो करते हैं, है ना? तो जैसे प्रोडक्शन, आप समझते ही होंगे, मतलब किसी भी चीज का निर्माण करना। और फिल्म मेकिंग में वैसे ही तीन हिस्से हैं उसके, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो जैसे कि प्री प्रोडक्शन जो फिल्म होता है, उसमें ये चीजें आती हैं कि जैसे हम कुछ अपने अपनी जानकारी के लिए, जैसे मान लीजिए जो सुल्ताना की फिल्म थी, हमने थोड़ा पढ़ा समझा कि ये जो शिल्प कला है सुल्ताना वो कितनी पुरानी है, उसके गांव के बारे में थोड़ा समझा, तौफीक जी के बारे में थोड़ा हमने समझा। तो ये जो छोटा हम रिसर्च करते हैं और समझते हैं, ये सब चीजें कि हम किस तरह की कहानी पेश करेंगे, जो ये सोच विचार होता है वो अक्सर प्री प्रोडक्शन में आता है। फिर आता है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी फिल्म का निर्माण करना, शूट करना, चाहे वो आपके पास कैमरा हो, फोन का कैमरा हो, उसको लेकर। पर अब इसमें ये होता है कि जब हम पहले दिन शूटिंग पे जाते हैं, तो जैसे सुल्ताना फिल्म में हमने पहले दिन पूरा गांव देखा, वहाँ कैसे वो पूरा शिल्प कला बनता है उसको समझा, क्राफ्ट को, कि कैसे वो मेटल की स्ट्रिप्स काट रहे हैं। तो एक बार जब हम खुद समझ जाते हैं, यानी कि जब आप अपनी फिल्म बनाएंगे, तो एक बार आपने अपनी स्टोरी सोच ली और आपको सब जानकारी मिल गई, उसके बाद हम करेंगे उसकी शूटिंग। तो ये सब आ जाता है प्रोडक्शन में। और जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, मतलब जब हम शूटिंग कर लेते हैं, उसमें आता है एडिटिंग। एडिटिंग यानी कि जो भी हमने अलग अलग हिस्से छोटे छोटे शूटिंग किए हैं, जैसे कि सुल्ताना के गांव के शॉट्स लिए हैं हमने, थोड़े तौफीक जी के लिए हैं, तो जैसे हम अपनी कहानी बताना चाहते हैं उसको हम एडिटिंग करके एक साथ बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई क्विल्ट बन आपकी जो गोदड़ी बोलते हैं गुजराती में, वो बनानी है, तो पहले हम सब जो छोटे छोटे अपने जो पुराने कपड़े उसके जो कतरन होते हैं वो इकट्ठा करते हैं, है ना? और फिर सुई धागा से लेकर उस कतरन को एक पूरी गोदड़ी में बनाते हैं, है ना? उसी तरह एडिटिंग में होता है कि जो हम कट करते हैं और सुई तो होती नहीं है, पर उसके बजाय हम उसको एडिटिंग के द्वारा कट करके उसको जोड़ते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा तीन इम्पॉर्टेंट चीजें फिल्म मेकिंग में। वो थी प्री प्रोडक्शन, जो फिल्म मेकिंग के पहले का काम होता है, प्रोडक्शन यानी कि जो फिल्म का काम होता है, और पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग का काम। तो अब हम जानेंगे कुछ जरूरी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है जब आप आपकी फिल्म बनाएंगे, है ना? तो जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम शूटिंग करेंगे, है ना, तो हम जो कैमरा है मोबाइल का वो हम आड़ा रखेंगे, इसको हम ऐसे सीधा नहीं रखेंगे, है ना? तो सारा जो शूटिंग होगा वो आड़ा ऐसे होगा। दूसरा जो बहुत अहम हिस्सा है कि जब हम शूटिंग करते हैं तो हमें हमेशा कैमरा स्थिर रखना है। ऐसे हिलता हुआ जो ऐसे शॉट लेते हैं ना, उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता फुटेज। इसीलिए हम हमेशा हाथ को स्थिर रखेंगे, या तो अगर हमें कोई जरूरी चीज, मतलब ट्राइपॉड, आप जानते हैं, आपने देखा होगा जो बड़ा कैमरा है उसके पीछे, इसके नीचे ऐसे तीन पैरों वाला एक स्टैंड होता है जिसको बोलते हैं ट्राईपॉड। ट्राई मतलब तीन, है ना? तो उसको ट्राईपॉड बोलते हैं। तो अगर मोबाइल के लिए भी वैसे आता है, पर अगर आपके पास आपको कुछ और जुगाड़ लगाना है, तो जैसे मान लीजिए अभी मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे अपन पीछे रख के इसको
ऐसा भी एक कुछ जुगाड़ हम बना सकते हैं, है ना। और मान लीजिए जैसे हमने तौफीक जी का इंटरव्यू लिया था, वो काफी लंबा था, तो आप इतनी देर ऐसे हाथ खड़े ऐसे खड़े होके शूट करेंगे तो हाथ दुख जाएगा और फिर जो वीडियो है वो भी हिलेगा। तो हमें कुछ और हम जुगाड़ बना सकते हैं, जैसे कोई स्टूल है उस पर हम रख सकते हैं, या तो ये मैं बस एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कुछ किताबें रखी है ना, फिर हमने इसका कोई बैक सपोर्ट दिया और फिर हमने शूट किया। तो आपको इसी तरह कुछ जुगाड़ लगा के आप अपना खुद ट्राइपॉड बना सकते हैं, या तो आजकल ट्राइपॉड भी मिल जाता है अमेजोन पे कैमरे का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये जरूर याद रखना कि जो भी आप वीडियो बनाए वो एकदम स्टेबल हो, एकदम स्थिर हो। किसी भी इंटरव्यू को शूट करते वक्त ये ध्यान रखें कि आसपास कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए। गाड़ियों के आने जाने की आवाज, भेड़ बकरियों की आवाज, किसी की बात करने की आवाज, कोई भी आवाज नहीं। हम जितना शांति से उसको शूट करेंगे उतना ही हमें फिल्म में साफ सुनाई देगा, और अगर साफ सुनाई देगा तो लोगों को आपकी बातें समझ में आएंगी। हमेशा रोशनी का ध्यान रखें, कभी भी फिल्म अंधेरे में रात में शूट ना करें। कोशिश करें कि दिन के उजाले में ही फिल्म शूट हो, उससे आपकी फिल्म साफ नजर आएगी, जैसे आपने हमारे फिल्म में देखा। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी जो छोटी वीडियो हमने आपके लिए बनाई है उससे आपको सीखने को मिला हो, और हम उत्सुकता से इंतजार करते हैं कि आप लोग जल्दी अपना पहला वीडियो बनाएं और हमें भेजें। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सवाल है, हम उसका आपको जरूर आपकी फिल्म देखने के बाद उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।